हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट एरे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग नंपाई। डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना। अगर आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा एलिमेंट वाइज और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ फंक्शंस आपके ufunc की कैटेगरी में आते हैं, यानी यूनिवर्सल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें आप एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कराने में यूज कर सकते हैं। तो इसे बताने के लिए मैंने यहां पर दो एरे लिए हैं। मैंने यहां पर 2D एरे लिए हैं, आप चाहें तो 1D भी ले सकते हैं या 3D भी ले सकते हैं। मेरे पास है ARR1 जिसके अंदर मैंने ये एलिमेंट स्टोर किए, और एक दूसरा है ARR2 जिसके अंदर मैंने ये एलिमेंट स्टोर किए। कुछ नॉर्मल ऑपरेशन देख लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे ARR1 और ARR2 के एलिमेंट को ऐड कराना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा ARR1 प्लस ARR2। आप इसे किसी तीसरे एरे में स्टोर भी करा सकते हैं, और अगर सिर्फ प्रिंट करा के देखना है तो आप ऐसे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, इसने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया और दोनों एरे के एलिमेंट्स को क्या किया, इसने ऐड कर दिया। जैसे 0 प्लस 0 हमारे पास आ गया 0, इसी तरीके से 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2। इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स पे इसने एडिशन परफॉर्म कर दिया। सिर्फ एडिशन ही नहीं, आप जो चाहे वो ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे अगर मुझे माइनस करना है तो ये एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर देगा, यानी 0 का 0 से मल्टीप्लीकेशन, 1 का 1 से, 2 का 2 से। इसी तरीके से आप डिविजन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ये वार्निंग दे रहा है, लेकिन आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे देगा, और यहां पे क्या दे देगा, नोट ए नंबर। इसी तरीके से अगर आप फ्लोर डिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर तो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आई नहीं है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स को ट्रंकेट करना चाहते हैं तो आप फ्लोर डिवीजन भी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आप यहां पर परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बट इसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते बल्कि मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, फिर आप numpy का डॉट मेथड यूज करेंगे। राइट, यहां पर आप लिख देंगे ARR1, ARR2। आप इसे एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे NP आएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। मैट्रिक्स किस तरीके से वर्क करती है, अगर आपको ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है कि मैट्रिक्स किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी और numpy में डॉट फंक्शन किस तरीके से उसके ऊपर परफॉर्म करता है। इसके अलावा numpy के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एलिमेंट वाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ufunc। ufunc दो कैटेगरी में आते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा। मान लीजिए मुझे एरे वन के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, स्क्वायर फंक्शन है numpy का, जिसे हम ufunc की कैटेगरी में डालते हैं, और आप इसमें एरे दे दीजिए, ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर निकाल करके आपको दे देगा। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं एलिमेंट वाइज। इन सब की लिस्ट मैंने ufunc कैटेगरी में दी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो numpy एरे के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।